नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के 15 से 20 मिनट तक फंसे रहने के मामले में लगातार नए घटनाक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर दिल्ली से पंजाब तक सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के आरोपों के मामले में पंजाब सरकार ने 2 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और गृह और न्याय मंत्रालय के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा फिर से ना हो। चीफ जस्टिस एनबी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इस याचिका की एक कॉपी को पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के पास भी भेज दें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रद्द हुई रैली में मात्र 5,000 लोग मौजूद थे। पंजाब के तमाम पत्रकारों और वहां के प्रतिष्ठित अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है। ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। द ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार विश्व भारती की खबर को इस अखबार ने अपने प्रिंट संस्करण में और ऑनलाइन प्रकाशित किया है। द ट्रिब्यून की खबर में कहा गया है कि प्रदेश बीजेपी इकाई ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली में 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन वो मुश्किल से 5,000 लोगों को इकट्ठा कर सकी, जो इस भगवा पार्टी के लिए बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। द ट्रिब्यून के मुताबिक बीजेपी ने फिरोजपुर की रैली के दावा किया था कि उसने राज्य भर से लोगों को फिरोजपुर में रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए 3,200 बसों की व्यवस्था की थी। राज्य नेतृत्व ने पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी को बसें आवंटित की थी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लगभग 60 बसों का आवंटन किया गया था। हालांकि पीएम की रैली से पहले इधर उधर से किसान नेताओं की आ रही प्रतिक्रिया को भांपते हुए पार्टी ने उन बसों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया जिन्हें सेवा में लगाया जाना था। इसे इतना कम किया गया कि रैली स्थल पर पार्किंग व्यवस्था सिर्फ 500 बसों तक सीमित हो गई। भारत की कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने गुरुवार को चुनाव आयोग को बताया है कि ताजा हालात में बड़ी चुनावी रैलियां और रोड शो करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने आयोग से कहा है कि इस तरह के चुनावी कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। डॉक्टर पॉल नीति आयोग के सदस्य भी हैं। बता दें कि कोरोना के मामले कुछ ही दिनों में बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़े हैं और बीते 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग को 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराने हैं। चुनाव आयोग अगले कुछ ही दिनों में इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने आने वाले कुछ दिनों के चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव को 9 जनवरी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचना था। इस कार्यक्रम के अलावा गोंडा और बस्ती में भी 7 और 8 जनवरी को उनकी चुनावी रैलियां थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इन सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी राजनीतिक रैलियों का आयोजन नहीं करेगी। क्या बीजेपी आईटी से जुड़े लोग टैग फॉग नामक ऐप के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों की लोकप्रियता बढ़ाने, नैरेटिव बदलने, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने और अपने आलोचकों को परेशान करने के लिए करते हैं? द वायर ने आज इस रिपोर्ट का प्रकाशन करते हुए ये बातें कही हैं। दरअसल बीजेपी मीडिया सेल की एक असंतुष्ट कर्मचारी ने टैग फॉग के बारे में सोशल मीडिया पर अप्रैल 2020 में तमाम जानकारियां शेयर की थी। इसके बाद द वायर ने इस पर काम करते हुए इसकी गंभीरता से जांच की तो और भी तथ्य सामने आए। अप्रैल 2020 में एक अनाम ट्विटर अकाउंट आरती शर्मा 08 ने बीजेपी आईटी सेल के असंतुष्ट कर्मचारी होने का दावा करते हुए एक अत्यधिक गुप्त ऐप टेक फॉग के बारे में ट्विटर पर लिखना शुरू किया। उस विसिल ब्लोअर ने दावा किया कि इस ऐप का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी से जुड़े राजनीतिक गुर्गों द्वारा पार्टी की लोकप्रियता को बनावटी रूप से बढ़ाने, इसके आलोचकों को परेशान करने और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धारणाओं में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। बुल्लीबाई ऐप मामले में दिल्ली पुलिस ने असम से मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नीरज को दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग उत्तराखंड के थे जबकि एक युवक बिहार निवासी था जिसे बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया था।
बता दें इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर ये कहा जा रहा था कि आप इसकी नीलामी कर सकते हैं। देश में जहां तीसरी डोज के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, वहां बिहार के मधेपुरा जिले से एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक शख्स का दावा है कि उसने वैक्सीन की 11 डोज ले ली है। पुरैनी के रहने वाले 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने दावा किया कि जब से उन्होंने वैक्सीन लेनी शुरू की वो कभी बीमार नहीं पड़े हैं और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। दूसरी ओर मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप शाही ने कहा कि इस दावे की जांच की जाएगी, अगर ये सच पाया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज दिल्ली में कोरोना के 14,000 नए मामले आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन पिछली लहर के मुताबिक इस बार स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है, ये सुझाव देना खतरनाक होगा कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक हल्की बीमारी है। WHO की ओर से कहा गया है कि हाँ, हम डेल्टा की तुलना में इस बार अस्पताल में भर्ती होने का कम जोखिम देख रहे हैं, लेकिन ये सुझाव देना कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक माइल्ड बीमारी है, ये खतरनाक होगा। कम जोखिम के साथ भी मामले चकित करने वाले हैं और हम देखेंगे कि अस्पताल भरे होंगे, कृपया सावधान रहें। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज उसी वैक्सीन की होगी जिसकी पहली दो डोज लगाई गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा, जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन ही लगेगी, जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी उन लोगों को कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।